जरूरतमंदों की मदद कर सलमान ने जीता हर किसी का दिल। दूसरों के दर्द को महसूस कर सलमान बने असली भाईजान। कोरोना वायरस के कहर में बॉलीवुड एकजुट होकर जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। कई स्टार्स ने PMCM फंड में आर्थिक मदद की है, जबकि कई स्टार्स डेली वर्कर्स की मदद कर रहे हैं। सलमान खान ने पहले 20,000 वर्कर्स के खातों में पैसे भेजकर मदद की थी। उसके बाद सलमान खान ने फीमेल ग्राउंड वर्कर्स की मदद करने का फैसला किया था। जी हां, सलमान खान 50 फीमेल ग्राउंड वर्कर्स की मदद के लिए आगे आए थे। सलमान खान को मालेगांव से इमरजेंसी कॉल आया था और बताया गया था कि उसके बाद सलमान खान की टीम ने ग्राउंड रिसर्च की और फिर लोगों के लिए खाना और जरूरत का सामान पहुंचाया। और आज नवभारत टाइम्स आपको मिलवाने जा रहा है उस शख्स से जिसके ऑपरेशन तक का खर्चा भाईजान ने उठाया है। जी हाँ, आज हम आपको सुनाएंगे एक जूनियर आर्टिस्ट का वो दर्द जिसे भाईजान ने महसूस किया। मिलिए इनसे, इनका नाम है शायदा शेख। अस्सलाम वालेकुम, मैं शायदा शेख बोल रही हूँ। मैं जूनियर आर्टिस्ट में काम करती हूँ 1970 से। राजेश खन्ना, जितेंद्र, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, उस दरमियान के जितने भी हीरो हीरोइन थे, जीनत अमान, परवीन बॉबी, शबाना आजमी, तनुजा, नूतन, सबके साथ में काम किया है। यंग जनरेशन जो भी है इनके साथ भी काम कर चुकी हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं मेरे। सलमान ने इनके लिए जो किया है उसके लिए शायदा न सिर्फ शुक्रगुजार हैं, बल्कि सलमान की इंसानियत देखकर उन्हें सलमान से इतना लगाव हो गया है कि कैमरे के सामने भी भावुक हो गईं। देखो, ये बीमारी आई है, इसके नाम से हर कोई डर रहा है, हर कोई परेशान है, सबका काम धंधा बंद है, कोई रोटी रोजी पे नहीं है, किसके घर में खाने को है तो किसके घर में नहीं है। लेकिन सलमान भाई ने एक वादा किए तो उन्होंने निभाए। सब 21 क्राफ्ट है, हम मेकअप, जूनियर आर्टिस्ट, सबको मिला के स्पॉट बॉय से लेके नीचे से लेके ऊपर तक जो भी वर्कर है उनके हर किसी के अकाउंट में उन्होंने 3,000 रुपये डाले। उससे हमको बहुत मदद हुई, हम खुश हैं उनसे कि मालिक उनको और देवे और मदद करे वो सबकी। हमारी इंडस्ट्री वालों को अल्लाह खुश और खुर्रम रखे और सलमान भाई को सबका प्यार मिले, मोहब्बत मिले। हर कोई उनके चाहने वाले है, उससे ज़्यादा उनके चाहने वाले बने और अल्लाह सबसे ज़्यादा अल्लाह चाहे उनको, अल्लाह ताला उनको बहुत खुशियाँ नसीब करे। सलमान ने जिस तरह से सबकी मदद की, जिस तरह से हमेशा सबके लिए सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया, उसे देखते हुए शायदा ने सलमान को दिल से आशीर्वाद भी दिया। हमें तो उम्मीद बहुत थी कि हमारे सभी आर्टिस्ट है तो कोई टेंशन नहीं होगा, सब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसमें से एक सीख मेरा सुल्तानों का सुल्तान ही आगे बढ़ा और सबकी मदद की है उन्होंने। अल्लाह उनको इतना खुश रखे कि और भी वो सबकी मदद करे। सबकी जबान पे सलमान के लिए दुआओं के हाथ ऐसे उठे हुए हैं उनको। इतना ही नहीं, शायदा ने आगे ये भी बताया कि सलमान ने उनकी कैसे कैसे और किन किन परिस्थितियों में मदद की है। मैं काम करते करते 2012 में ऐसा एक दौर आया कि मेरे हाथ में तकलीफ होने लगी, तो फिर मैंने डॉक्टर के पास गई, चेकअप कराई मेरा, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा हार्ट का। तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं जो मैं करा सकूँ, एक जूनियर आर्टिस्ट हूँ मैं, तो मैंने सलमान भाई से बोली कि सलमान भाई मुझे डॉक्टर ने ऐसे ऐसे कहा है। तो बोले क्या फिक्र करते हो, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, आप बेफिक्र हो के जाओ, आपका ऑपरेशन कराओ। मैंने कराई, फिर टोटल मेरा खर्चा वही उठाते हैं सब कुछ। उसके बाद में फिर एक दौर ऐसा आया 6 महीने बाद कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, उसके अंदर से खून आने लगा मेरी दूध की जगह से। तो फिर चेकअप कराई तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा। फिर मैंने सलमान भाई से बात की मिल के, सलमान भाई डॉक्टर ऐसा बोलता है, तो फिर उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जाइए आपका ऑपरेशन कराइए, जो भी खर्चा होगा मैं सब करूँगा। और आज तक जो भी मुझे होता है, जो भी हॉस्पिटल में मैं एडमिट होती हूँ उनको बता देती हूँ, तो उन पूरा बिल वही भरते हैं, दवा से लेके हर चीज़ से लेके मेरा खर्चा वही उठाते हैं। मालिक उनको इतना दे
कि वो आगे और 10 की मदद करें और करते ही है। अल्लाह ताला उनको हर दम खुश और खुर्रम रखे, हर मुसीबत हर बला से बचाए, हर परेशानी से दूर रखे। शायदा की बातों में जो इमोशंस थे, उनकी बातों में सलमान के लिए जो प्यार दिखा, जो लगाव दिखा, शायदा की आंखों में जो आंसू दिखे, उसे देखने के बाद तो कोई भी कहे कि भाईजान को सिर्फ ऐसे ही भाईजान नहीं कहा जाता है, भाईजान लोगों का असली भाईजान है। मुंबई से संजय मिश्रा की रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।